नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। कासगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ आपदा में सरकार उनके साथ है, हर पीड़ित को सहायता दी जा रही है, फसलों के नुकसान आकलन कराकर शीघ्र ही मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन को फसलों की क्षति होने की रिपोर्ट शीघ्र तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले में हेलीकॉप्टर से बाढ़ पीड़ित प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बरौना गांव में भी पहले हेलीकॉप्टर से ही गंगा की धारा और कटान की स्थिति का जायजा लिया। दोपहर 12:30 बजे सीएम का हेलीकॉप्टर बरौना के ऊपर मंडराने लगा। हवाई सर्वेक्षण के बाद उनका हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरा, जहां डीएम हर्षिता माथुर, एसपी सौरभ दीक्षित ने उनकी अगवानी की। इसके पश्चात वे कार से बरौना गांव में पहुंचे। गांव के पश्चिमी किनारे पर बने तटबंध का उन्होंने 5 मिनट तक निरीक्षण किया। इसके बाद वो बांध के नजदीक बनाए गए पंडाल में पहुंचे। यहां उन्होंने बरौना के कटान पीड़ितों को खाद्य राहत सामग्री की किट भी प्रदान की। सीएम योगी ने डीएम से जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के बारे में पूछा। उन्होंने मौके पर पहुंचे सांसद और विधायकों से भी कुछ देर बातचीत की। इसके बाद वे सीधे मंच पर आए। सीएम योगी ने कहा कि पहले चक्र में यमुना नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ आई है। अब दूसरे दौर में उत्तराखंड में अधिक बारिश होने के कारण गंगा नदी में जलस्तर बढ़ जाने के कारण कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कन्नौज आदि जिलों में बाढ़ आपदा आई है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत। नमस्कार।